वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर है, मैं आज वहां से जुड़ी एक अद्भुत कथा आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक मुस्लिम बच्चा था, एक राजा के यहां काम करता था। बच्चे के माता पिता का कुछ पता नहीं था। बेहद भोला भाला, मेहनती, ईमानदार, राजा की सेवा में लगा रहता था और उसे लगता था कि राजा से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। जो कुछ है राजा ही है, और उसे इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि जो दुनिया में सबसे बड़ा है मैं उसकी सेवा करता हूं। यही उसकी इच्छा भी थी कि मैं उसकी सेवा करूं जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। तो एक दिन राजा को जयपुर के महाराज से मिलने जाना था। पहले राजा होते थे, महाराजा होते थे। राजा वो होते थे जिनके पास 40-50 गांव हुए, महाराजा वो होते थे जिनके पास 100-150-200 गांव हुए। तो हरेक की अपनी पदवी होती थी। तो राजा के यहां से लगान जाता था महाराजा को। तो राजा मिलने गए जयपुर के महाराजा को, तो बच्चे को साथ ले गए। जब बच्चे को साथ ले गए और जयपुर के महाराजा के पास पहुंचे, तो राजा ने वहां के महाराजा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, प्रणाम महाराज। बच्चा साथ में था, बच्चे ने देखा कि ये क्या, दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति वो भी किसी के सामने झुक रहा है। इसका मतलब ये जो सामने वाला है ये इनसे बड़ा है। तो बालक तो भोला भाला था, बालक ने पूछ ली। बालक बोला कि मुझे ये बताइए सरकार, आप इनके सामने झुक रहे हैं, आप तो सबसे बड़े हैं ना। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये हमारे महाराजा हैं, ये हमसे भी बड़े हैं। तो बालक ने राजा से कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं इनकी सेवा करूं। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो ऐसा कर लो। तो राजा ने महाराजा को कहा कि यह मुस्लिम बच्चा है, बहुत भोला भाला है, इसके माता पिता का पता नहीं है, बहुत ईमानदार है, आप इसे अपनी सेवा में रख लें। तो महाराज ने राजा के आग्रह पर उस बच्चे को अपने पास रख लिया। अब वो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, महाराज की सेवा में था। उसे इस बात की खुशी थी कि वो दुनिया में सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा कर रहा है। तो बताया जाता है कि जयपुर के महाराजा ने मंदिर बनवाया था वृंदावन में गोविंद देव। तो गोविंद देव मंदिर में महाराजा आते थे। तो महाराजा उस बच्चे को साथ ले, बच्चा भी साथ आया। बच्चे को बाहर खड़े रहने के लिए बोला गया क्योंकि बच्चा मुस्लिम था। उन दिनों ये सब प्रथा चलती थी, जात पात का भेदभाव जो आज भी है, पर ईश्वर की नजर में कोई जात पात होती नहीं। ईश्वर ने तो मनुष्य बनाया है, हम सबको बनाया है, हम सब उसी की संतान। तो उस बच्चे को वहां खड़ा कर दिया गया। तो बच्चा देख रहा था महाराज को। महाराज जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो मंदिर की जो देहली होती है उस पर अपना माथा टेका, गोविंद देव को प्रणाम किया, अंदर गए। बाहर से इस बच्चे की उत्सुकता बढ़ गई कि महाराज तो इतने बड़े हैं, वो भी किसके सामने झुक रहे हैं। थोड़ा ऊपर उठकर एड़ियां ऊंची करके देखने लगा और देख रहा है कि महाराज तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो अंदर कौन बैठा है, कौन है ये। उसने इधर उधर पूछा, कौन है ये? तो सबने बताया, गोविंद देव है। महाराज बाहर आए, महाराज से पूछा कि महाराज आप तो सबसे बड़े हैं, यहां क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आप तो यहां उनकी देहली पे माथा टेक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आप तो उनके सामने झुक रहे हैं, कौन है ये। तो महाराज मुस्कुराए। महाराज बोले, मैं तो छोटा सा महाराज हूं, ये तो पूरी सृष्टि के राजा है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, तीनों लोकों के स्वामी है, सारी सृष्टि इनके सामने झुकती, ये गोविंद देव है, मेरी क्या हैसियत कि मैं इनके सामने ना झुकूं, सभी इनके सामने झुकते हैं। ये जो मुस्लिम बच्चा था ये हैरान रह गया। इसने महाराज से आग्रह किया, देखिए मेरी तो बचपन से एक ही इच्छा थी
कि जो दुनिया में सबसे बड़ा होना मैं उसकी सेवा करूं। तो मैंने पहले राजा की सेवा की, आप उनसे बड़े लगे तो मैंने आपकी सेवा की। अब आपने बताया कि गोविंद देव तो सबसे बड़े हैं, तो मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं। महाराज कैसे मना करते हैं, ठाकुर की सेवा के लिए कैसे मना कर सकते हैं? महाराज ने कहा कि ठीक है। महाराज ने गोस्वामी जी को बुलाया। गोस्वामी जी ने कहा ये तो मुस्लिम है, मंदिर में तो इनको नहीं आने दिया जाएगा। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, ये मंदिर के बाहर रह करके भगवान की सेवा करेंगे, इन्हें जूते चप्पलों का काम दे दिया जाए। जो भी यहां आते हैं शरणार्थी भक्त प्रार्थना कर रहे, उन सब भक्तों के जूते चप्पलों की देखरेख ये करेंगे, तो ये यहां रहेंगे। अब ये मुस्लिम बच्चा जो है ना, बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, समीप रहने का मौका मिल गया, दुनिया के सबसे बड़े राजा के पास मैं बाहर खड़ा होऊंगा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी देख भी लूंगा, यहां खड़ा होऊंगा तभी तो देख पाऊंगा, कभी तो अंदर बाहर आना जाना होगा उनका। बड़ा खुश हो गया महाराज, उस मुस्लिम बच्चे को वहां छोड़कर चले। अब जितने भी भक्तजन आते हैं सब गोविंद गोविंद चिल्लाते, सब राधा राधा चिल्लाते, अपने जूते चप्पल वहां छोड़ते, सबके जूते चप्पलों की देख रेख रखते। ये मुस्लिम बाबा, उम्र बढ़ जा रही थी, जब कभी मौका लगता थोड़ा सा झांक लेते मंदिर के अंदर, लेकिन गोविंद देव दिखे ही ना। लेकिन इनको इस बात की तसल्ली थी कि दुनिया के सबसे बड़े राजा जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और मैं उनकी सेवा में, इस बात की खुशी थी। तो आने जाने वाले जब भी आते जाते तो इनको बोलते गोविंद गोविंद राधे राधे, तो ये भी बोलते गोविंद गोविंद राधे राधे। और इनको बड़ी चाह होती कि मुझे एक बार देखना है गोविंद देव जी को। ये रात्रि भी वहीं पर बिता देते, वहीं सीढ़ियों में गोविंद गोविंद कहने लगे थे, राधे राधे कहने लगे थे, आदत बन गई थी क्योंकि आने जाने वाले सब कहने लगे थे। अब हुआ यूं, एक रात्रि द्वार खुले, अंदर से ठाकुर जी आए, राधा रानी आई, प्रकाश ही प्रकाश। ये मुस्लिम बाबा देख करके देखते ही रह गए, बोले कि आप कौन है? गोविंद देव ने कहा कि मैं गोविंद देव। बोले आप महाराज, आप सबसे बड़े महाराज, मैं तो आप ही का इंतजार इतने सालों से यहां कर रहा हूं, आपको देखना चाहता था। और ये आपके साथ कौन है, आपकी बेगम? भगवान मुस्कुराए, बोले हां मेरी बेगम। बोले आप बहुत सुंदर है, आप जैसा तो कोई होगा ही ना, आप बहुत सुंदर है। भगवान को देखते ही रह गए, राधा रानी को देखते ही रह गए, और भगवान ने कहा कि ठीक है आओ मेरे साथ चलो। बोले इतनी रात्रि में आप कहां जाएंगे, आप अंदर जाइए। बोले नहीं, आओ मेरी दुनिया में, तुम्हें लेकर चलता हूं। बताते हैं गोविंद देव और राधा रानी उन मुस्लिम बाबा को निधिवन ले गए। शायद जितने किस्से और कहानियां मैंने सुनी है उनमें से पहला किस्सा ऐसा है जिसमें कोई भगवान के साथ निधिवन के अंदर गया, भगवान की लीला देखी, जो वृक्ष हैं गोपियां बन गए। जो मुस्लिम बाबा हैं ये देख रहे थे कि इतनी सारी बेगम है इनकी, ये सच में सबसे बड़े बादशाह हैं, सबसे बड़े राजा हैं, सबसे बड़े महाराजा हैं, इन जैसा शायद ही कोई होगा, इन जैसा तो कोई भी नहीं होगा। बस इसी चीज में उलझे हुए थे, वापस मंदिर आए। जब वापस मंदिर आए सब देख लिया तो गोविंद देव और राधा रानी अंदर जाने लगे। जब अंदर जाने लगे तो मुस्लिम बाबा ने रोक लिया। मुस्लिम बाबा बोले कि देखिए गोविंद देव, मंदिर के अंदर जो जूतियां हैं ये लेकर जाना मना है,
जो बेगम ने चप्पलें पहनी है लेकर जाना मना है। अपनी चप्पलें और जूतियां यहां उतारिए, यही मेरा काम है। गोविंदो बोले कि ये मेरा मंदिर है, मैं महाराज हूं, ये रानी है मेरी। हम मुस्लिम बाबा बोले कि मैं जानता हूं आप ही सब कुछ, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, ये मेरा फर्ज है। आप बाहर निकालिए तभी आप अंदर जा पाएंगे। अब क्योंकि सुबह होने वाली है, लोग आने वाले हैं, तो गोविंद देव ने सोचा कि जिद्दी है, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो राधा रानी और गोविंद देव अपनी जूतियां अपने चप्पल बाहर ही छोड़कर के अंदर चले गए। जब सुबह गोस्वामी जी आए और देखा कि भगवान के राधा रानी के चरणों में चरण पादुकाएं नहीं हैं, तो बड़े विचलित हो गए, घबरा गए कि चरण पादुकाएं कहां गई, भगवान की कहां गई, राधा रानी की चरण पादुकाएं। परेशान हो गए, मंदिर में लोग इकट्ठा हो गए, ढूंढने लगे इधर उधर कि जो मुस्लिम बाबा हैं इनके पास चरण पादुकाएं थी। इन्होंने बोला कि महाराज की जूतियां चप्पल ढूंढ रहे हो, ये तो यहां रखी हैं बाहर। सब लोग आए इकट्ठा होकर के पीटने लगे इनको बिना वजह के, मारने लगे, क्रोधित हो गए कि तुमने क्यों निकाली यहां पे, तुम क्यों लेके आए अंदर से, अंदर गए ही क्यों, तुम्हें किसने कहा था अंदर जाने के लिए, मारने लगे। और ये मुस्लिम बाबा चिल्ला रहे थे, अरे मैं नहीं गया अंदर, महाराज बाहर छोड़कर गए। और गोस्वामी जी को ये आवाज सुनी और गोस्वामी जी ने कहा कि रुको रुको, पहले इनकी बात सुनो। बेचारे मुस्लिम बाबा